चमत्कार रोज होता रहता है। यही आनंद का आनंद है। किस बहाने जिसको आनंद मिल जाए, ये वो जगह है जहाँ मृत्यु को भी मंगल माना गया है और उसके पीछे मात्र सकारात्मक सोच उसकी मूल भाव है। अगर आपके सकारात्मक सोच है, बहुत कष्ट में भी है, तो कहते हैं ठीक है, ऊपर वाले का था कि इसलिए हम कष्ट में। कौन है जिसको कष्ट नहीं है? नेगेटिव है तो आप कुछ नहीं कर, आप क्या शादी हो रही है, आप नाराज हो रहे हो, चिल्ला रहे हो। लेकिन अगर सकारात्मक है, दुख में बीमारी है, तो कहीं भगवान को यही मंजूर है। तो वो जो सोच है वो व्यक्ति को आनंदित करता है और यही काशी का मूल है। आपको सकारात्मक बनाता है, आपको क्षेत्र में कुछ उपलब्धि जो होती है उसका मात्र कारण सकारात्मक सोच का है। परिस्थिति तो सब लोग बनाते रहते हैं। ये सुबह बनारस से हमारे जो अभिन्न लोग हैं सबने मिल के बनाया है। सबसे अच्छी बीज सुबह की होती है। हमारे पंडित प्रभु मिश्रा जी हैं, साथ में मंजू मिश्रा जी, बताइए ये लोग और जितने सारे लोग हैं, कृष्ण मोहन है, अभय, पूरी टीम है। निस्वार्थ बात ये पैसा नहीं, जो लाते वो दे के रोज जाते हैं। हम लोग कहते हैं कहाँ से आता है, तो ये वो लोग हैं जो सबसे अच्छी बात, लोगों को सुबह की नींद होती है। सब कर लो, सुबह डिस्टर्ब नहीं करो, लेकिन जब आप 3:15 बजे उठ के दूसरों के लिए काम करने आते हैं, इतने लोग आके बैठते हैं, वो आरती नहीं होती। हम तो प्रकृति की आराधना करते हैं, उस तत्व की आराधना करते हैं जो हम आप हमें नहीं दिखते। हम उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, सारे लोग मिलते हैं यज्ञ करते हैं, मानव कल्याण लड़कियाँ करती हैं, वो मातृशक्तियाँ हैं। ये मातृशक्तियाँ ना हो तो हम लोग न रहे, तो उनको आगे करके सारा अनुष्ठान कराते हैं। देखिए कितना अच्छा आज गया चित्रा जी ने। तो हम कलाकार को नहीं देखते, इसके अंदर जो क्षमता है उसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम नहीं गा सकते, हम बहुत अच्छा नहीं बजा सकते, लेकिन ये कर सकते हैं। तो ये हम लोग के लिए प्रणम है। उसके बाद आप बैठे देखिए योग हो रहा है, यही सुबह बनारस। और बनारस का मूल है कि बहाना खोजता हम कैसे लोगों को आनंदित करते हैं। राज हमारे साउथ से, चेन्नई से इतने सारे कलाकार आप बताते हो, चंद्राचार्य जी के सब लगाए होते, अचानक देखिए यहाँ पे आ गए और कल आए होते तो शायद आपके साथ प्रोग्राम भी करा देते, लेकिन फिर कभी कराएंगे लोगों का यहाँ पे। यही माँ गंगा का आशीर्वाद है कि एक से एक लोग आते हैं और कई लोग तो आने के बाद पता लगता है कि ये है। तो बड़ा मन में, यहाँ तक आप बता दें, सबको तो छोड़िए, प्रधानमंत्री वहाँ तो यहाँ चले आइए, मंजू भाभी यहाँ नहीं था प्रधानमंत्री को आना, कहीं और थे, वहाँ तो देखिए यहाँ चले आए। सबका ही मोबाइल जमा हो गया था कि SP जी ने, आप लोग खड़ी थी, सबको बुला के उन्होंने फ़ोटो ली सुबह बनारस की और नेक्स्ट डे अपने यहाँ से भिजवा दी। तो ये केवल माँ गंगा बाबा विश्वनाथ की कृपा है कि न बुलाने पे भी बड़े से बड़े लोग आ रहे हैं और हमारे इस एक संवेद प्रयास है उसका भाग बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सारे कलाकारों को जो बाहर से हैं और आप प्रयागराज से हैं। हम प्रबल दृष्टि से आग्रह करेंगे कि आगे एक बार पुनः अपने कलाकारों के प्रति शुभकामना, इनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति शुभकामना। हमारे जो अतिथि हैं, हमको लग रहा है आपका 19 तारीख को शायद कार्यक्रम है, बस आप यही अपने हाँ अपने हाँ। तो नहीं अभी बताए हैं तब हम जाने, हम तो थोड़ा मैं तो इन कलाकारों को और इनके राग को यहाँ आने के बाद ही जाना, और ये सारा जो ज्ञान हम लोगों को प्राप्त हुआ ये डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी के कारण प्राप्त हुआ। गीता में अर्जुन देख रहे थे कि मेरे सामने मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे दोस्त जिनके साथ मैं खेला हूं,